हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेफ्टी पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसमें बहुत सारी सेफ्टी से संबंधित रिक्वायरमेंट जो भी चीजें होती है कार्य क्षेत्र में अपने, वो सारी चीजों को इसमें डिस्प्ले किया हुआ है। सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें जो है हमारा कंपनी की सेफ्टी पॉलिसी आ जाता है, सेफ्टी मैनुअल होता है, साइट रिलेटेड सेफ्टी प्लान हो जाता है, ISO स्टैंडर्ड है आदि, जो है सभी का इसमें समावेश होता है, हमारा जो सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इसके बाद हमारा आता है वर्किंग प्लेटफॉर्म। इसका फोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म है ये, जिसमें जो है हमारा जो वर्किंग प्लेटफॉर्म, इसको मोबाइल इसका फोल्डिंग भी इसको समझ सकते हैं और कैटलॉग इसका फोल्डिंग भी इसे समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम साइट पर इसका फोल्डिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करते हैं, जिससे लोग इसके ऊपर चढ़ के आसानी से सुरक्षित तरीके से कार्य कर सके। इसमें सारे पार्ट्स को दर्शाया गया है। मैनेजमेंट सिस्टम, जो साइट पे हमको कोई भी मटेरियल यहाँ पे डिस्पोज करना है उसके बारे में यहाँ पर हमने डिस्प्ले किया हुआ है, और इसमें कलर कोडिंग दिया हुआ है कि किस प्रकार से हमें किस मटेरियल को किस में डिस्पोज करना है। यह हमारा जो है सेफ्टी ग्रीन ट्रायंगल है, इसमें एनवायरमेंट, हेल्थ और सेफ्टी को दर्शाया जाता है, जो हमारा ट्रायंगल है। इसके बाद जो है ये कलर कोडिंग सिस्टम है। साइट पर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है, मशीन टूल्स है, जो भी है उसका मंथली कलर कोडिंग होता है। उस कलर कोडिंग को इसके माध्यम से दर्शाया गया है। इस प्रकार से इसको जो है हम घुमाकर भी अपना डेली, हर मंथ में इसको जो है चेंज कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मैनुअल लिफ्टिंग ऑफ इंजूर्ड पर्सन। किसी भी आदमी को दुर्घटनाग्रसित अगर साइट पे हो जाता है तो हमें किस प्रकार से किस मेथड से किसको लिफ्ट करना चाहिए, जिससे कि उसको अन्य प्रकार की इंजुरी न हो सके, उसके लिए ये सभी मेथड हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये कन्फाइन स्पेस सिस्टम है, इसमें जो है एग्जॉस्ट फैन भी लगाया हुआ है इनलेट और आउटलेट के लिए। दूसरा जो है रेलिंग है, बराबर टो बोर्ड है वर्किंग एरिया में। अंदर जाने के लिए लैडर और लाइफ लाइन का भी प्रोविजन इसमें किया हुआ है। इसके बाद हमारे नोट्स हैं। साइट पर किस प्रकार से अपना कितने प्रकार के नोट होते हैं, बहुत सारे प्रकार के नोट होते हैं, यहाँ पे हमने कुछ जो है नोट्स के बारे में डिस्प्ले किया हुआ है। इसके बाद हमारा PPE है, PPE पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। यहाँ पे जो भी हमारे कार्य क्षेत्र में उपयोग होते हैं उनका सभी का यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया हुआ है। बाद है सेफ्टी हेलमेट, ये कंस्ट्रक्शन ऑफ सेफ्टी हेलमेट। सेफ्टी हेलमेट का अंदर का पार्ट्स भी इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से सेफ्टी हेलमेट बना हुआ है। इसके बाद जो है ये केमिकल स्टोर एरिया है, यहाँ पर जो है केमिकल हमको किस प्रकार से स्टोर करना चाहिए, जिससे कि जमीन पर डायरेक्ट न गिरे और हमारा लैंड पोल्यूशन होने से बचे, इसको यहाँ पे सिस्टम बनाया गया है। यहाँ पर 5R को दर्शाया गया है, जिसमें रिपर्पज, रीयूज, रिड्यूज, रिफ्यूज, रिसाइकलिंग आदि को इसमें दर्शाया गया है। यह हमारा फर्स्ट एड सेंटर है, जिसमें फर्स्ट एड से संबंधित मेडिकल सेंटर और फर्स्ट एड बॉक्स आदि को इसमें जो है दर्शाया गया है। मशीन टूल सेंटर, फायर होज पाइप सेंटर, वेल्डिंग मशीन सिस्टम सेंटर। इसके बाद एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से संबंधित, एक आदमी जो है पृथ्वी को पकड़ा हुआ है उसको दर्शाया गया है, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के सभी सिस्टम को आदमी के ऊपर दर्शाया गया है कि हमको पृथ्वी को बचाने के लिए, हमको पृथ्वी को सेव करने के लिए, हमें अपने एनवायरमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, उसके बारे में इसमें डिस्प्ले किया हुआ है। ये हमारा टावर क्रेन है, टावर क्रेन के सभी भागों को दर्शाया गया है जो साइट पर यूज होता है, और इसमें टावर क्रेन के सभी भागों को दर्शाया गया है। Thank you.
जैसे कि लाइट अरेस्टर सिस्टम है, एविएशन लैंप है, हुक है, काउंटरवेट है, ऑपरेटर कैबिन है, चढ़ने के लिए लैडर है, बॉडी अर्थिंग है, वायर रोप है। ड्रम है, इलेक्ट्रिकल पैनल है, आदि सभी चीजों को इसमें दर्शाया गया है। पैसेंजर होस्ट से संबंधित उसका केज है, मशीन है और उसके सभी पार्ट, मास्क है, फिक्सिंग अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रिकल केबल है, सभी चीजों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें सभी चीजों को, सभी भागों को, इसको भी दर्शाया गया है। ये फायर प्रोटेक्शन सिस्टम है, यहाँ पर फायर होजिल है, फायर एक्सटिंग्विशर है, फायर बकेट है, हाइड्रेंट सिस्टम है, आदि को यहाँ पर दर्शाया गया है। बाद फायर अलार्मिंग सिस्टम है, अलार्म स्पीकर है, मल्टी स्मोक डिटेक्टर है, स्मोक डिटेक्टर है, हीट डिटेक्टर है, एफआरएम रियल मॉड्यूल है, आईएसओ आइसोलेट है, हूटर है, मैनुअल कॉल पॉइंट है, फोन जैक है, आरआई रिस्पांस इंडिकेटर है, फायर केबल है, स्प्रिंकलर है, स्प्रिंकलर हेड कवर है, इंटरकॉम है, फ्लेक्सिबल स्प्रिंकलर है, आदि सभी चीजों को इस बोर्ड में प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद प्लम्बिंग सिस्टम है, यहाँ पे प्लम्बिंग मटेरियल जो भी साइट पर उपयोग होते हैं उनके बारे में यहाँ पर दर्शाया गया, प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद डक्टिंग सिस्टम है, उससे संबंधित यहाँ पे कुछ मटेरियल्स को दर्शाया गया है। इसके बाद इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी यहाँ पे काफी मटेरियल्स, काफी सिस्टम को इसमें दर्शाया गया है। यहाँ पर फायर ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि हमारा जो है थ्री कंपोनेंट से मिलने के बाद फायर होता है, उसके बारे में इसमें दर्शाया गया है और टेट्राहेड्रल सिस्टम के बारे में भी इसमें बताया गया है। यह लाइट स्टैंड है, यहाँ पर जो है जमीन पर न रख के कहीं फिक्सिंग करने के लिए अगर जगह नहीं है तो यहाँ पे लाइट हैंग करके जो है हम अपने साइड पे इसका उपयोग कर सकते हैं। यह फायर अरेस्टर सिस्टम है, जिसमें सेफ्टी नेट के बारे में बताया गया है, वर्टिकल सेफ्टी नेट है, हॉरिजॉन्टल सेफ्टी नेट है और जो है चढ़ने के लिए स्टेयर के इस पे रेलिंग्स की व्यवस्था होना चाहिए, उसके बारे में भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। सेफ्टी हेलमेट, जिसका निर्माण प्लाई का उपयोग करके किया गया है। ये हीरो कार्ड बॉक्स है, जिसमें जो है साइट पर जो है किसी प्रकार का ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, हीरो कार्ड होता है उसको इसमें जो है कलेक्ट करने के लिए कलेक्शन बॉक्स है या इसमें डालते हैं, यहाँ से फिर हम जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, उस पर जो है एक्शन लेने का कार्य करते हैं। ये नियर मिस रिपोर्टिंग बॉक्स है, नियर मिस रिपोर्टिंग बॉक्स जो है किसी प्रकार का साइट पर नियर मिस होता है तो इसमें, इस बॉक्स में कोई भी व्यक्ति इसमें जो है रिपोर्टिंग कर सकता है। यह इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, इसमें RCCB, ELCB, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट, सॉकेट कवर, रबर मैट, स्टैंड आदि को प्रोवाइड किया गया है। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा जो है एक सेफ्टी पार्क तैयार होता है। आप इसको जो है देख के अपने साइट पर जो है इस प्रकार से जो है इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं।